हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फरवरी में आने वाली सभी मूवी के नाम, जो कि बहुत अच्छी मूवी होने वाली है, जिनका बजट भी बिग बजट बताया गया है, जो कि फरवरी 2024 में आने वाली है। बॉलीवुड साउथ दोनों तरफ से मूवी आने वाली है, पंजाबी मूवी भी आने वाली है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी मूवी के नाम है, जिनका बजट भी बिग बजट बताया गया, और बड़े स्टारों की मूवी भी है इसमें। जिसमें सबसे पहले मूवी जो कि आ रही है ईगल, जो जिसकी स्टार कास्ट में रवि तेजा, वरुण तेजा, मानुषी छिल्लर, काव्या अनुपमा, विनय राय, नवदीप, नितिन मेहता, अजय घोष, और इसके डायरेक्टर है कार्तिक। और इसको रिलीज कर रहा है 9 फरवरी 2024 का, और इसका बजट बताया गया 35 करोड़, जो कि बिग बजट मूवी होने वाली है, जो कि साउथ तरफ से मूवी आने वाली है, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। फिर इसके बाद आने वाली क्रेक, जिसकी स्टार कास्ट में विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल, जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, और इसको रिलीज कर रहा है 23 फरवरी 2024 को, और इसके डायरेक्टर है आदित्य दत्त, जो कि बिग बजट होने वाली है ये भी मूवी, जिसका बजट बताया गया है 50 करोड़, जो कि बहुत अच्छी मूवी होने वाली है, एक्शन से भरपूर। फिर इसके बाद आने वाली है लाल सलाम, जिसके स्टार कास्ट में विष्णु विशाल, विक्रांत, कपिल देव, टाइगर, निरोश राधा, और इसमें केमी होने वाला है रजनीकांत का, और इसको रिलीज कर रहे हैं 9 फरवरी 2024 को, और इसके डायरेक्टर है ऐश्वर्या रजनीकांत, जो कि रजनीकांत की बेटी है, और इसका बजट बताया गया 50 करोड़, जो कि बिग बजट होने वाली है। इसमें बहुत अच्छी एक्शन से भरपूर होने वाली है मूवी, और बहुत अच्छी होने वाली है। जिसमें फिर इसके बाद आने वाली तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसकी स्टार कास्ट हमें शाहिद कपूर, कृति सेनन, धर्मेंद्र, डिंपल कपाड़िया, और इसके डायरेक्टर है अमित जोशी, और इसका बजट बताया गया 50 करोड़, जो कि बिग बजट होने वाला है, और इसको रिलीज कर रहे हैं 9 फरवरी 2024 को। बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। फिर इसके बाद आने वाली है वार्निंग, जो कि बहुत अच्छी मूवी होने वाली, जो कि पंजाबी मूवी है, जिसकी स्टार कास्ट में प्रिंस, राहुल देव, किप्पी, और इसको रिलीज कर रहे हैं 2 फरवरी 2024 को, इसके डायरेक्टर है अमर, इसका बजट बताया गया 5 करोड़, जो कि बिग बजट है। फिर इसके बाद आने वाली भीमा, जिसके स्टार कास्ट में गोपी चंद, प्रिया भा, फिर इसके मालवी शर्मा, और इसको रिलीज़ कर रहे हैं 16 फरवरी 2024 को, और इसके डायरेक्टर है हर्षा, जो कि ये भी अच्छी मूवी आने वाली, एक्शन से भरपूर, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया गया है इनने। फिर इसके बाद आने वाली मूवी है भक्षक, जो कि बहुत अच्छी मूवी होने वाली है, जिसके स्टार कास्ट में भूमि पेडनेकर, आदित्य, श्रीवास्तव, साई, संजय मिश्रा, तिनिशा मेहता, विभा, दुर्गेश कुमार, साव्या काम, आनंद, सूर्य शर्मा, और इसको रिलीज कर रहे हैं 9 फरवरी 2024 को, और इसके डायरेक्टर है पुलकित, और इसको बजट बताया गया 100 करोड़, जो कि ये भी बिग बजट होने वाली है, बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। फिर इसके बाद आने वाली है मेरे महबूब मेरे सनम, जिसकी स्टार कास्ट में तृप्ति डिमरी, विक्की कौशल, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, एमी वी धूपिया गौरव, और इसके डायरेक्टर है आनंद तिवारी, इसका बजट बताया गया 50 करोड़, जो कि ये भी बिग बजट होने वाली है, और इसको रिलीज कर रहा है 23 फरवरी 2024 को। ये भी बहुत अच्छी मूवी होने वाली है बॉलीवुड तरफ से। फिर इसके बाद आने वाली है सेक्शन 108, जिसके स्टार कास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रेगिना, आसिफा खान, सानद वर्मा, और इसके डायरेक्टर है आसिफ खान, और इसका बजट बताया गया 8 करोड़, जो कि ये भी अच्छी मूवी होने वाली है, जिसका बजट भी बिग है, और इसको 2024 में रिलीज करने वाले फरवरी में, जो बहुत अच्छी मूवी। फिर इसके बाद आने वाले डीजे टिल्लू, जिसकी स्टार कास्ट में अनुपमा, सिद्धू, फीस वेंकट, परिणीति रेड्डी, राज, श्रीराम रेड्डी, मुरलीधर, और इसके डायरेक्टर है विमल कृष्णा, और इसको रिलीज कर रहे हैं 9 फरवरी 2024 को, और इसका बजट बताया गया 17 करोड़, जो कि बिग बजट होने वाली है ये भी मूवी, जो कि बहुत अच्छी मूवी होने वाली है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें।